हाय दोस्तों, क्या हाल है? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। सो मैं नाम है सोमेन, आप सबका स्वागत है आज के टेक न्यूज के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में पास में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं टेक न्यूज की तरफ। पहला अपडेट निकल के आता है मेरे गेमर्स भाई लोगों के लिए, क्योंकि प्ले स्टेशन बहुत ही एक अच्छा गेमिंग स्टेशन है। बहुत लोग प्ले स्टेशन को पसंद करते हैं और प्ले स्टेशन 5 का आउट ऑफ द स्टॉक हो गया था इंडिया में और वो फिर से स्टॉक में आ चुका है। प्ले स्टेशन 5 अगर आप लेना चाहते हैं तो आज से आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। और प्ले स्टेशन 5 कॉन्सोल जो है उसका प्राइस रखा गया है 50,000 और प्ले स्टेशन 5 डिजिटल एडिशन जो है उसका प्राइस रखा गया है 40,000 से। नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि सैमसंग का अपकमिंग प्रोसेसर 2200 एक्सोनॉस 2200 बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज में। और लगता है कि सैमसंग का S22 सीरीज का प्राइस लगभग जो सोचा गया था उससे थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि चिप शॉर्टेज के कारण। और ये जो एक्सोनॉस 2200 प्रोसेसर होने वाला है ये 4 नैनोमीटर पे बेस है। इसमें आपको 8K रेजोल्यूशन, 200 मेगापिक्सल का कैमरा और UFS 3.1 और LPDDR5 देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, कल 19 जनवरी दोपहर 12 बजे Xiaomi अपना 11T Pro 5G हाइपर चार्ज लॉन्च करने वाला है इंडिया में। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से। रियलमी का 2022 का पहला स्मार्टफोन यहाँ पर रिलीज हो चुका है, रियलमी 9i। ये रियलमी 9 सीरीज का पहला स्मार्टफोन है। इसमें आपको 6.6 इंच की IPS 90Hz का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा 680। ये 6 नैनोमीटर पे बेस है और 4G प्रोसेसर है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 33W का फर्स्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये फ़ोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेंगे, 4GB, 64GB, 6GB, 128GB। 4GB, 64GB का प्राइस है ₹14,000 और 6GB, 128GB का प्राइस है ₹16,000। ये आपको 22 जनवरी से फ्लिपकार्ट में सेल शुरू होगा इसका फर्स्ट। तो नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आता है वो वन प्लस वालों के लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, क्योंकि स्पेशली जो लोग वन प्लस 6 और 6T यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए, वन प्लस के तरफ से एक न्यूज़ आ चुका है कि वन प्लस 6 और 6T में अब से कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये फ़ोन एंड्रॉयड पाई के साथ लॉन्च किया था, एंड्रॉयड 10 भी मिल गया, एंड्रॉयड 11 भी इसमें मिल गया। इसके बाद जो ऑक्सीजन वेज एंड्रॉयड 12 है वो इन दोनों फ़ोनों में देखने को नहीं मिलेंगे। और मेरे हिसाब से लगता है कि मतलब दो अपडेट दिए हैं और एक तो अपडेट देना चाहिए था। जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आता है वो तो अलग बात है, वो तो देना ही होगा, लेकिन कम से कम 3 या 4 वेस अपडेट हर एक मोबाइल कंपनी को देना चाहिए। क्योंकि जो भी फ़ोन यूज़ करता है मतलब 1 साल के लिए या 2 साल के लिए तो यूज़ नहीं करते, कम से कम 3 साल मेरे हिसाब से तो खींचते। मैं खुद अपना फ़ोन 4-4 साल खींचता हूँ, मतलब 4-4 साल तक यूज़ करता हूँ। सो मेरे हिसाब से लगता है कि कोई भी कंपनी को सॉफ्टवेयर अपडेट या वॉइस अपडेट 3 से 4 साल देना ही चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूँ तो 2022 में आईफोन SE जो लॉन्च होने वाला है उसका नाम यहाँ पे बाहर आ चुका है, आईफोन SE प्लस 5G इसका नाम होने वाला है। और इस फ़ोन में आपको मतलब मज़ा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत ही छोटा है, 4.7 इंच की डिस्प्ले है। हाँ, प्रोसेसर मतलब बायोनिक चिप जो है वो अपडेटेड है, बायोनिक चिप 15 देखने को मिलेगा। और देखते हैं कि ये कब तक आएगा, लगता है कि मार्च अप्रैल तक आएगा, जो भी हो देखते हैं कब आता है। लेकिन मज़ा कुछ वैसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले बहुत छोटा कर दिया है। क्योंकि सुनने को पहले आ रहा था कि डिस्प्ले शायद इसका 5.7 इंच होने वाला है, लेकिन अब निकल के आ रहा है कि 4.7 इंच डिस्प्ले होने वाला है। सो चलिए आज का ये फाइनल अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ, वो है कि Redmi Note 11S का डिस्प्ले स्पेक यहाँ पे बाहर आ चुका है। उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेंगे। ये मिड रेंज का फ़ोन सबसे पहला जो जिसमें आपको एमोलेड पैनल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और ये आप MI के जो स्टोर वगैरह मतलब ऑनलाइन जो स्टोर है उसमें आपको फोटोज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और लगता है कि ये अगले महीना को ही हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शुभरात्रि। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप।